चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी आ गया। इट सेज फर्दर कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड एट 5% एज द पेमेंट वॉज मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब लोग कहेंगे सर अब क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट आ गया सर, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट भी है, मैं पहले आपको समझा दूं फिर क्वेश्चन करवाता हूं। सो कीप स्क्रॉलिंग डाउन लाइक मी और आपको यहां पे नजर आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी। टर्न टू दिस पेज इन योर वर्कबुक चिल्ड्रन, नजर आ गया। मैं चाहता था क्वेश्चन करा के टॉपिक 2 मिनट में खत्म कर सकता था, बट फिर आपको लगता सर पेट तो भर गया मन नहीं भरा अभी, तो पहले मन भर दें ताकि MUX इक्वल टू PX हो जाए। रेडी एवरीबडी। इट सेज बॉट गुड्स वर्थ 50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, जीएसटी 6% ईच है। सिंपली स्पीकिंग इफ वी हैव बॉट गुड्स चिल्ड्रेन द जर्नल एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट में तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा बिकॉज इट्स एन इनकम, करेक्ट चिल्ड्रन। अब जब यहां पे जीएसटी का एलिमेंट चला आया तो हम पे करेंगे बीन एक्सपेंस, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि परचेज सेल एक्सपेंस के साथ ही जीएसटी रहेगा, कैश के हमेशा ऑपोजिट में। ओके, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखिए ताकि आप गलतियां ना करें। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, एम आई करेक्ट, एंड इनपुट पीपल आर रिक्वेस्टेड टू पुट द एंट्री फास्ट। नोट्स मेकिंग की आदत बनाइए भाई। सो चिल्ड्रन 50,000 में आप पहले तो 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो यू वुड गेट हाउ मच, 20% 10,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया तो कितना आया, सिंपल एज दैट। इतनी बात समझ में आ गई, आप 40,000 रुपी तो इन फ्रंट ऑफ परचेज लिख लीजिए। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चिल्ड्रन डू वी हैव एनी अथॉरिटी टू गिव डिस्काउंट टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सरकार कहेगी जितना डिस्काउंट देना तो हमको चुराना लगाओ, तो 40,000 पे ही डिस्काउंट होगा और 40,000 पे ही जीएसटी होगा। मेरे दो अनमोल रतन, एक है डिस्काउंट और दूसरा है जीएसटी। मेरे कौन है 40,000, एक है राम और एक है लखन। समझ में आ गया, तो आपको यही याद रखना है। राम लखन मूवी बड़ी फेमस है बॉलीवुड की, देखी हुई आपने, नहीं देखी होगी तो आज देख लीजिएगा। तो मेरे दो अनमोल रतन, मेरे मतलब 40,000 क्या बोल रहा है, एक है राम कैश डिस्काउंट, एक है लखन। लखन थोड़ा बदमाश टाइप का था, सरकार भी थोड़ी बदमाश टाइप की है, तो इसलिए जीएसटी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। 40,000 का 6% कितना होता है चलन, 2400। एंड 40,000 का 10% कितना होता है चलन, 4,000। तो सर व्हाट वैल्यू वुड बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैश, यही तो सबसे बड़ा गेम है। 40,000 के गुड्स हैं माइनस 4,000 का कैश डिस्काउंट, कितने पैसे हमको देने हैं, क्या लेने हैं, 36। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट हैं आप, ये पैसा भी तो आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेंगे, तो डिस्काउंट माइनस होगा और टैक्स प्लस। कैसे याद रखेंगे सर हम इसको, डी से डिस्काउंट, डी से डिडक्शन, टैक्स की स्पेलिंग में ए आता है तो एडिशन, तो टैक्स ऐड होगा और डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा। 40,800 वुड बी द वैल्यू, चेक कर लीजिए दोनों साइड मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन कराता तो ये मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन, ये नहीं हो पाता। समझ में आ गया, दोनों कैलकुलेशंस जो भी होंगे चिल्ड्रेन वो किस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, चिल्ड्रेन हर्ड दिस वेल, बी क्विक टू दिस, वेरी क्विक, चलो बच्चों।
लेट्स डू द एंट्री फॉर सेल चिल्ड्रेन. सिंपली स्पीकिंग, कैश सेल और डिस्काउंट अगर हो तो एंट्री क्या हुआ करती थी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. और ऐसे नहीं बोलते अकाउंटिंग इज एन आर्ट. देखिए एकदम चीजें को बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है. डिस्काउंट डेबिट में है तो भैया जीएसटी क्रेडिट में डाल दो. लॉजिक समझ में आया? ताकि आपको कभी भी कैलकुलेशन का या अकाउंटिंग का कोई प्रॉब्लम आए ही ना. टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी. अब कुछ लोग मन में ये सोच रहे होंगे, सर अगर पूरे पैसे का सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ कुछ होता है तो क्या होगा? तो भाई कैश के साथ हेनरी का भी नाम जोड़ देंगे, डेटर का. जितना जीएसटी बकाया है वो उसमें चला जाएगा और जितना मिल गया ले लिया वो कैश में चला जाएगा. डोंट पैनिक, डोंट पैनिक. गर्मी बहुत कम हो चुकी है बट ठंडी भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो ठंडा पानी गर्म पानी बराबर मिलाते हैं आप. ठंडी बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर, तो गर्म पानी वाला टैप ज्यादा देर खुलेगा, ठंडे वाला कम देर. बहुत ही भयंकर ठंडा है, -105 डिग्री सियाचिन टाइप, गीजर के अंदर घुस जाइए. अंडरस्टैंडिंग? चलिए. सो चिल्ड्रेन इन फ्रंट ऑफ सेल्स वील पुट द वैल्यू 40,000. डिस्काउंट में आएगा 4,000, जीएसटी में 2,400. 2,400 समझ में आ गया? तो 40,800 कैश में आ जाएगा. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझ गए? चलिए. ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम कैश डिस्काउंट, एक है लखन जीएसटी. चलिए भाई, दिस वॉज द केस चिल्ड्रन जहां पे फुल सेटलमेंट हो गया. बट इज इट नेसेसरी दैट एवरी टाइम वी टू द सेलर एंड बायर टू अस में पे फुल अमाउंट? नो. कुछ कुछ होता है, कुछ पैसे उसने अभी दे दिए, बाकी बाद में दे रहा है. तो चिल्ड्रन यहां पे आ गया आपका पार्शल सेटलमेंट. ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि 70% का ही लेन देन हुआ है. आई रिपीट चिल्ड्रन, 70% का ही लेन देन हुआ है. आई होप सो एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड अप टू दिस 40,000 कैलकुलेशन. चिल्ड्रन 40,000 कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया? पक्का? क्वेश्चन सेज दैट व्हाट एक्सटेंट हैज बीन पेड और रिसीव्ड. तो आप अब कैलकुलेट करेंगे 70% ऑफ 40,000 इज व्हाट चिल्ड्रन? 28,000. उस 28,000 पे 10% का कैश डिस्काउंट है. सो व्हाट इज 28,000 का 10%? एंड हाउ मच पार्ट विल बी सेटल्ड इन कैश? 25,000. Is government concerned with this that you are selling goods for cash or on credit? सरकार कहेगी आप कैश में बेचिए, क्रेडिट में बेचिए, आपका आउटलुक है. जितने की सेल होगी हमें जीएसटी चाहिए. इस महीने की सेल का जीएसटी नेक्स्ट मंथ 15 तारीख तक या एक हफ्ते तक, जो भी आपका बिजनेस का डिजाइन है, आपको पे करना पड़ेगा. आपको कस्टमर से जीएसटी मिले चाहे ना मिले, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट एज वेल. गुड्स बिक गए, हमारा मीटर चालू हो गया. People heard this? तो सर मान लीजिए बिजनेसमैन को किसी ने सामान वापस कर दिया, हाउ डू दे मैनेज? वो तो गवर्नमेंट को जीएसटी दे चुके हैं. अगली बार जब वो गुड्स फिर से रीसेल होंगे तो बिजनेसमैन कस्टमर से जीएसटी लेके अपने जेब में रख लेगा, क्योंकि अब उसको गवर्नमेंट को देने की जरूरत, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है उसको. बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म? सो चलो, ये 25,200 वाला पार्ट समझ में आ गया. व्हाट पार्ट इज अनसेटल्ड चिल्ड्रन? Will we be calculating any discount, cash discount on this? Credit part hai. GST will always be calculated on the value of goods bought or sold. भाड़ में गया, कितना कैश आया कितना नहीं, हमसे से लेना देना नहीं है. यहां तक सबको बात समझ में आ गई? चलो पक्का? चलिए, आई एम पुटिंग द एंट्री ऑन दिस साइड सो दैट आपको या एंट्री इधर लिखने की जरूरत नहीं है. एंट्री खैर मैंने लिखी हुई आपके लिए. अब आप बोलेंगे सर ये एंट्री का डिजाइन बना कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, पैनिक मत करिएगा. यू बॉट गुड्स फ्रॉम समबडी एंड यू पेड ओनली 70%, डिडंट पे द रिमेनिंग मनी. चलो, विजिबिलिटी इशू तो नहीं है किसी को? नजर आ रहा है ठीक से? यस सर. अकाउंट आपको परचेज का मिलेगा,
एक अकाउंट आपको कैश का मिलेगा, एक अकाउंट आपको मिलेगा सो कॉल्ड सप्लायर का जिससे आपने खरीदा, एक अकाउंट आपको मिलेगा डिस्काउंट का। सुनाई पड़ी बात? चलो हियरिंग इट वेल। यस सर, यस सर, सप्लायर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रियल, पर्सनल और नॉमिनल चिल्ड्रन। पर्सनल, पर्सनल। पेड से कौन सा अकाउंट निकल के आएगा? कैश। व्हाट्स द कैटेगरी ऑफ कैश? रियल, रियल। गुड्स से आपको अकाउंट कौन सा मिलेगा? कैटेगरी इज नॉमिनल, और डिस्काउंट की कैटेगरी भी परचेज बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट चिल्ड्रन, कैश इज गोइंग आउट क्रेडिट। सो कॉल्ड सप्लायर पर्सनल अकाउंट गिवर है, क्या करेंगे? क्रेडिट। एंड डिस्काउंट इज एन इनकम, इट इज ऑल्सो क्रेडिट। सर जीएसटी की कहानी, जीएसटी कौन सी बहुत बड़ी सो कॉल्ड लॉजिक है? बीइंग अ टैक्स वी हैव टू, और वी हैव पेड चिल्ड्रन, क्या करेंगे? डेबिट। डिड आई टॉक अबाउट कैलकुलेशंस एज ऑफ नाउ? पहले तो जर्नल एंट्री करिए आप। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इट्स परचेज अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। आई एक्सपेक्ट पीपल टू प्लीज राइट, लिखेंगे तो समझेंगे। टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू द सप्लायर जिससे खरीदा। ये तो ट्रांजैक्शन बड़ा आसान है, मैं तो ये भी लिखने वाला था यहां पे कि चेक से भी कुछ पेमेंट हुआ है तो वो बैंक लिख देते हैं हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स चिल्ड्रन ट्रेड डिस्काउंट के बाद? 40,000। 6% ऑफ 40,000 इज 2,400। 2,400 गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड आपने गुड्स कैसे बेचे हैं। एंड 2,800 इज द एलिमेंट ऑफ डिस्काउंट जो आपने डिस्काउंट में लिख दिया। कहानी अब स्टार्ट होती है, कितना हम कैश में लिखेंगे और कितना हम सप्लायर में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फॉर गुड्स चिल्ड्रन? 25,200। अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टैंडिंग दिस। सो 25,200 रुपए कैश पे करना है हमको, एंड सप्लायर ने 12,000 रुपीज का सामान उधार दिया है। कितनी बात समझ में आ गई? चलो ये जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ है 4,800 का, ये पूरे गुड्स पे है या सिर्फ कैश वाले पोर्शन पे है? चलिए पीपल आर स्लीपिंग, जो जग रहे हैं वो आंसर दें। दिस 2,400 इज ऑन व्हाट चिल्ड्रन? 40,000 पे कैलकुलेट हुआ है, ये पूरे पोर्शन पे है। तो 4,800 जीएसटी अगर पूरे पोर्शन पे है, क्या हमने पूरा पोर्शन कैश में पे किया चलन? नो, वी पेड हाउ मच फोर्टी एंड वी डिड पे हाउ थाउजेंड मच? तो वील अज्यूम कि हमने जीएसटी भी 30% रोका हुआ है, पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया। या तो आप इसको 70 और 30 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? या आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो 28,000 वाला पोर्शन है चिल्ड्रन, इसका जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% कैलकुलेट करिए, और ये जो 12,000 वाला पोर्शन है क्रेडिट वाला, इसका जीएसटी 12% पे कैलकुलेट करिए और जोड़ दीजिए। आई होप सो दिस मस्ट बी साउंडिंग इजी। क्रेडिट वाले का जीएसटी क्रेडिट वाले पे जोड़ लें, कैश वाले का जीएसटी कैश वाले पे, ना कि जीएसटी की वैल्यू को डिवाइड करें। क्यों? उसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर आपने ये गलत कैलकुलेट किया चिल्ड्रन, तो ये 4,800 भी गलत हो जाएगा और ये 70,30 भी गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? आप कैश वाले पार्ट का जीएसटी अलग निकालिए और क्रेडिट वाले पार्ट का जीएसटी अलग निकालिए, दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको क्रॉस चेक भी मिल जाएगा। वेर एज इस वाली स्टोरी में देयर साउंड्स टू बी नो क्रॉस चेक। तो लेट मी नो कितना आएगा 12,000 का 12% चल रहा है? 1,440।
एंड 12% ऑफ दिस इज 3360, 3360 और 1440 का टोटल आ रहा है इतना। कैश वाला कैश के साथ जोड़ दीजिए एज आई हैव डन, 25200 प्लस 3360। प्लीज डू नॉट कैलकुलेट जीएसटी ऑन 25200। अगर आपने ऐसा किया जेल जाने को तैयार हो जाइए, आप गवर्नमेंट से बोलेंगे अरे सामान तो इतने का ही बिका है ना, सरकार कहेगी आप लोग झूठ बोलते हैं, हमको बेवकूफ बनाते हैं, बुक्स में दिखाते हैं डिस्काउंट ताकि वैल्यू कम हो जाए और टैक्स भी कम ले, और बाद में कस्टमर से उतना पैसा मांग लेंगे आप, तो हमको डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो वैल्यू आएगी हमें उस पर जीएसटी चाहिए, चाहे आप सामान फ्री में दे दीजिए किसी को। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का। और चैरिटी में भी जब आप सामान देते हैं तो आपको एविडेंस देना पड़ता है कि आपने चैरिटी में दिया या किसी को बिना बिल के बेचा है, तो जहां पे आपने चैरिटी दी है वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट इस बात को मानेगी। ओके, सो प्लीज ऐड दिस चलन 0, 6, 5, 8 and 2, कितना आ जाएगा ये 28,560, एंड यहां पे 1440 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 13,440। हर्ड वेल, हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? समझ में आ गया? तो ये वाले कैलकुलेशन तो सेम है, आपने पहले भी किया हुआ है, 25,200 के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इसी 28 पे यू विल कैलकुलेट जीएसटी एंड ऑन दिस वेरी 12,000। ओके, प्लीज पुट दिस लीजिए। जीएसटी इज कंप्यूटेड ऑन द रिजल्टिंग वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन द वैल्यू रिजल्टिंग आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑन क्रेडिट परचेज एंड सेल, जीएसटी ऑन क्रेडिट पार्ट शैड बी एडेड विद द डेटर और क्रेडिटर, और जो कैश पार्ट वाला है वो कैश के साथ एड हो जाएगा, ऐसे ही सेल वाली एंट्री में हो जाएगा, बस एंट्री पलटनी है आपको। और अगर इसमें साथ में कैश भी आया, चेक भी आ गया, तो जहां पे हमने कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया है, आप बैंक भी डेबिट कर देंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सतरंगी माहौल बन जाए, रेनबो होगा पूरा, वो रेनबो एंट्री। अंडरस्टूड चलन? कंफर्म? कोई डाउट किसी को? चलिए।